हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे सर, चैप्टर डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, इसमें जो आयनिक का साइज होता है, आयनिक का साइज जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिक, लैटिक, लैटिक एनर्जी, एनर्जी, लैटिक एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें NaF जो है उसका आयनिक साइज जो है सबसे स्मॉल है, ये सबसे साइज जो है स्मॉल है, तो इसका लैटिक एनर्जी हाई हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका लैटिक एनर्जी सबसे हाई होगा। लुक इनटू द कैमरा ब्रो। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन क्या है, SIF4, SF4, SIF4, SF4, SF4, XEF4F4, क्या XE XXEFOF4, F4, BF3, F3, DF3, BF3, D क्या क्या होगा? BBF3, अच्छा B। इसमें जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन सही है, SF4, क्योंकि इसका जो म्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है, इसकी वजह से ये जो डाइपोल मोमेंट हाईली डाइपोल मोमेंट शो करता है। ठीक है, सेकंड सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, S करेक्टर के बारे में पूछा है, S करेक्टर में जो होता है 1/4 S करेक्टर होता है करेक्टर, क्योंकि इसमें देखेंगे तो इसमें एक S है और 3P है, तो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा 25%, 25% मतलब 1/4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 S करेक्टर। बोलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, इक्विलेटरल शेप हैज, इक्विलेटरल शेप हैज, इक्विलेटरल शेप, इसका मतलब होता है कि ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेनर, ठीक है, इक्विलेटरल शेप मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर जो है इसका दूसरा नाम है, मतलब इसको हम लोग इक्विलेटरल शेप भी बोलते हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है SP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा SP2। फिफ्थ क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है हाइड्रोजन, क्लोराइड, HF जो होता है वो क्वेश्चन क्या था,
हाइड्रोजन बॉन्ड हाइएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एच एफ जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। ठीक है, इसलिए ये शो इसलिए कर पाता है क्योंकि बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग बना पाते हैं।